This lecture on quantitative aptitude by our faculty Mr. Ram is brought to you by Apex Coachings. If you like this video, then please press like button and subscribe to our channel. तो सबसे पहले जो ट्रेन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी बताओ ट्रेन क्या होती है पहले ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्या होती है रेलगाड़ी हाँ हाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो लेके जाती है यानी रास्ता और गामनी यानी गति जाने वाली चीजें मतलब लोहे के रास्ते पे जो जाती है उसी को क्या बोलते हैं लोपथ गामनी यानी कि ट्रेन ट्रेन में सबने सफर किया है कोई ऐसा भी है जो ट्रेन में सफर नहीं किया हो ट्रेन में ना सही पर उसमें तो किया होगा बस में तो सबने किया है बस में सबने सफर किया है ठीक है जब पहले हमारे यहां पर दिल्ली में जो बसें चलती थी ब्लू लाइन वाली जो बसें चलती थी वो देखी है सबने जब उनके बीच में कंपटीशन होता था ओवरटेकिंग का कि वो उससे फास्ट आगे चली जाए वो उससे फास्ट चली जाए तो उसी की बात करें कई बार आपने देखा भी होगा जैसे मान लो एक ये बस है हमारी इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और एक ये दूसरी बस है इस बस की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर इस बस की स्पीड है 40 और इसकी है 60 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों कहां जा रही हैं सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये 40 की स्पीड से जा रही है ये 60 की स्पीड से तो ये तो हमें पता है ये वाली जो बस है इसको पार तो कर जाएगी लेकिन कभी आपने गौर अगर किया हो तो जब ये पार करती है तो ऐसे धीरे धीरे पार होती है क्यों ये धीरे धीरे क्यों पार कर रही है क्योंकि ये जो है ये 40 की स्पीड से चल रही है और 40 की स्पीड से ये भी चल रही है अगर 40-40 की स्पीड से दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है एक ही स्पीड से तो कभी पार नहीं कर पाएगी ये लेकिन जो इसकी स्पीड ज्यादा होती है कितनी ज्यादा है 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तो वो जो ज्यादा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर तो उसी स्पीड की वजह से ये बस इसको पार कर पाती है लेकिन जब ये दोनों बसें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है तो कभी गौर किया हो कि एकदम से पार कर जाती है झुक करते ही पार हो जाती है क्यों क्योंकि ये वाली बस जो है वो इसको पार कर रही है और ये दोनों एक दूसरे को पार कर रही है तो स्पीड क्या हो रही है बढ़ जा रही है पार करने की जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो पार करने की स्पीड क्या हो रही थी कम हो रही थी ना क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी 40 और इसकी स्पीड कितनी थी 60 तो जो पार करने की जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर क्योंकि 40 से तो सेम डिस्टेंस कवर करेंगी जो ज्यादा स्पीड है उसी की वजह से तो पार करेगी तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है पार करने की ठीक है दूसरा इस चैप्टर के अंदर एक आता हमारा पोल और आदमी खंभा और आदमी तो खंभे और आदमी की जो लंबाई होती है हम जीरो मानते हैं खंभे और आदमी की जो लंबाई होती है उसको क्या मानते हैं जीरो मानते हैं जैसे कि ये एक पोल है इस पोल को अगर ये ट्रेन पार करेगी तो कितना तो इस स्पीड से जब पार करेगी जब ये ट्रेन या बस जो भी है जब इस खंभे को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस पार करेगी सिर्फ अपना क्योंकि खंभे की लंबाई जो है हम कितनी मानते हैं जीरो मानते हैं लेकिन अगर यहीं पे बात आए कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार करें देखो बस हो या ट्रेन हो दोनों है तो एक ही जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो स्पीड तो हमें पता लग गया था स्पीड क्या हो रही थी पार करने की कम हो रही थी स्पीड क्या हो रही थी कम हो रही थी लेकिन जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी ये वाली ट्रेन जब इस ट्रेन को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो देखिए जब ये चल रही थी देखो धीरे 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 करके इसने सबसे पहले इसको कवर किया उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को पार किया तब जाके ट्रेन पार हुई तो जब भी दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जब जाती हैं तो पार जब करती है तो कितना डिस्टेंस पार करना पड़ता है दोनों का अपना भी और दूसरी वाली ट्रेन का भी और जब अपोजिट डायरेक्शन जा रहे थे स्पीड क्या हो रही थी स्पीड पार करने की क्या हो गई थी बढ़ गई थी ना लेकिन जो पार करने की जो स्पीड तो बढ़ गई थी लेकिन पार करने का जो डिस्टेंस था वो कितना था देखो जब इस वाली ट्रेन ने इसको पार किया तो पहले तो इसको कवर किया उसके बाद अपने आप को पार किया तभी ट्रेन पार हुई ना देखो सेम डायरेक्शन में जाओ या अपोजिट डायरेक्शन जाओ डिस्टेंस जब भी आएगा हमेशा दोनों का ही पार करना होगा और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो देखना ये सारा जो रहेगा ये आपको ध्यान रहेगा धीरे 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 तो स्पीड क्या हो रही है पार करने की जो स्पीड सेम डायरेक्शन में कम हो रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो रही है बढ़ रही है पार करने की तो ध्यान रखना जब भी हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी
कम हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, किसकी, पार करने की। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप सेम डायरेक्शन में जाओ या अपोजिट डायरेक्शन जाओ, डिस्टेंस किसका कवर करना है, दोनों का ही कवर करना पड़ता है, दोनों ही ट्रेनों का, तभी जाके ट्रेन पार होती है। ठीक है, अब आता है डिस्टेंस आपका। मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म हमें दे रखा है, ये प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म को जब ये ट्रेन पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की पार करेगी। क्योंकि जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म को कवर किया, फिर जब तक अपने आप को पार नहीं करेगी, जब तक प्लेटफॉर्म पार नहीं होगा, पहले अपने आप को इसको प्लेटफॉर्म को कवर किया, उसके बाद अपने आप को पार किया, तब जाके पूरा डिस्टेंस कवर हुआ। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस पार करती है, प्लेटफॉर्म का भी और अपना भी, तभी ट्रेन पार होगी। कई बार क्वेश्चन आता है हमारा कि क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि एक ट्रेन के बारे में दे रखा है कि एक ट्रेन खड़ी हुई है, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना उसकी स्पीड दे रखी, ना कुछ दे रखा, तो इसका मतलब ट्रेन क्या है, वो एक जगह खड़ी हुई है। अगर एक जगह ट्रेन खड़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म ही हो गया वो, एक जगह खड़ी हुई है। तो अगर इस ट्रेन को पार करना है तो ट्रेन ये दूसरी ट्रेन जब इसको पार करेगी तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों का पार होगा, डिस्टेंस किसका कवर होगा, दोनों का। लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा तो स्पीड किसकी होगी, सिर्फ इसी ट्रेन की, क्योंकि ये जो ट्रेन है एक जगह खड़ी है तो किसका काम कर रही है, एक प्लेटफॉर्म का पार कर, प्लेटफॉर्म का काम कर रही है। ठीक है, और जैसे कि अभी बताया था आपको कि आदमी या पोल, इसकी लंबाई कितनी मानते हैं हम, जीरो मानते हैं, आदमी और पोल की लंबाई। तो एक आदमी है, देखो जब तक आदमी के बारे में स्पीड नहीं दे रखी तो आदमी क्या, एक जगह खड़ा हुआ है, स्पीड है, तो स्पीड का तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा सेम। अगर आदमी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो ऐड हो जाएगी। दूसरा जो है, अगर इस आदमी को ये ट्रेन पार करेगी तो कितना डिस्टेंस पार करेगी, सिर्फ अपने आप को पार करना है, उसको किसको कवर करना है, सिर्फ अपने आप को पार करना, अपनी अगर लेंथ कवर कर लेगी तो प्लेटफॉर्म, ये सॉरी पोल जो है वो पार हो जाएगा, या फिर आदमी जो है वो भी पार हो जाएगा। आदमी और पोल की लंबाई कितनी मानते हैं, जीरो। अब यहां पर बस इतनी सी चीजें याद रखनी, मैं डायरेक्ट भी आपको लिखवा सकता था कि सेम डायरेक्शन में जाना है तो स्पीड के साथ क्या करना है, डिस्टेंस में क्या करना है, लिखवा सकता था, वो आपको फिर याद करना पड़ता। जैसे कि अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रही है दो गाड़ियां, तो ऐसे ध्यान देगा, सेम डायरेक्शन जा रही है तो स्पीड क्या हो रही है, पार करने की, कम, और अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, पार करने की जो स्पीड है। और डिस्टेंस जो है आपका वो हर कंडीशन में ऐड ही होगा, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर एक प्लेटफॉर्म हो, या फिर ट्रेन खड़ी हो, और आदमी और पोल को लंबाई, आदमी और पोल की जो लंबाई पार करते हैं तो किसका डिस्टेंस कवर करते हैं, सिर्फ ट्रेन का। ठीक है, अब एक इसका छोटा सा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर इसको हमें चेंज करना, देखो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी इसी को तीन अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम हमारा इस तरफ आ जाएगा, स्पीड क्या होगी, इसके अपॉन में चली जाएगी, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बन जाएगा। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये टाइम इस तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। तो हमें इतने सारे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें एक ही बहुत है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद जो भी दे रखा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको अगर याद रखना है, फॉर्मूले को अगर याद रखना है कि कौन कब किस समय कौन सा यूज करना है, तो ये ध्यान रखना, देखिए स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो रहा है, टाइम इंटू स्पीड, यही आ रहा है। जब हमें स्पीड निकालना था तो डिस्टेंस के अपॉन में टाइम आया, और जब टाइम निकालना था तो डिस्टेंस के अपॉन में स्पीड आया। तो देखिए, हमें स्पीड निकालनी हो या टाइम निकालना हो,
स्पीड निकालनी हो या फिर टाइम निकालना हो, जो दूसरी यूनिट हमें दी होगी वो डिस्टेंस के अपॉन में ही आती है। और अगर हमें डिस्टेंस ही निकालना हो तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये इतनी सी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है फॉर्मूले में।